तो हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है दिस टेक बॉयज चैनल पे। तो आज मैं फिर से आ चुका हूँ फायरबोल्ट की वॉच लेके, क्योंकि ये वॉच लॉन्च होने वाली है थोड़े ही टाइम में। क्योंकि ये वॉच लॉन्च होने वाली है 23 ऑफ अगस्त को 12 बजे, यानी कि कुछ ही घंटों बाद ये वॉच आपको देखने के लिए मिल जाएगी। जो कि वॉच है इंडिया नंबर वन वॉच वेरेबल ब्रांड की इन 2022। यस गाइस, 1.78 इंच का एमोलेड डिस्प्ले मिल जाएगा और इस वॉच का नाम है फायरबोल्ट हल्क। यस गाइस, फायरबोल्ट हल्क का आज हम लोग प्रीव्यू करने वाले। इसके अंदर आपको एमोलेड डिस्प्ले देखने के लिए मिल जाएगा। इसकी प्राइस भी आपको मैं थोड़ी ही देर में बताऊंगा, मतलब कुछ स्पेसिफिकेशन बताने वाला, आपको प्राइस भी देखने के लिए मिल जाएगी। तब तक वीडियो पे नए तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कीजिए। आगे कंटिन्यू रहिए प्राइस जानने के लिए। ब्लूटूथ कॉलिंग आपको इसके अंदर देखने के लिए मिल जाएगी। स्मार्ट वॉच है ये, सबको पता है स्मार्ट वॉच है। इसके अंदर आपको राउंड डायल बटन देखने के लिए मिल सकता था, लेकिन कंपनी ने एक स्क्वायर डायल बटन दिया है, रेक्टेंगुलर डायल बटन दिया है जो कि ऊपर की साइड पे। तो मेरे ख्याल से ये थोड़ा नीचे होता तो ज्यादा अच्छा लगता, मेरे को ऐसा अच्छा लगता है, क्योंकि नीचे होता तो ऊपर होता तो स्क्वायर राउंड डायल में अच्छा लगता, वरना नहीं। लेकिन कोई बात नहीं, ये काफी सुप्रीम वॉच है, अनलॉक द सुप्रीम एसी। इसके अंदर आपको काफी ज्यादा स्पेसिफिकेशंस देखने के लिए मिलने वाले हैं। ऑलवेज ऑन डिस्प्ले तक आपको इसके अंदर देखने के लिए मिलने वाला है। काफी ज्यादा प्रीमियम एल्यूमिनियम मेटल बॉडी यूज की गई है। नो मोर मफल्ड टॉक्स ना अलाउस क्विक एंड स्मूथ कनेक्टिविटी आपको इसके अंदर देखने के लिए मिल जाएगी। ब्लूटूथ वर्जन 5.1 का जो है देखने के लिए मिल जाएगा आपको। ब्लूटूथ कॉलिंग इनबिल्ट माइक एंड स्पीकर आपको देखने को मिल जाएंगे। इस प्राइस ब्रैकेट के हिसाब से इसकी माइक की क्वालिटी बहुत अच्छी खासी है। आपके बैकग्राउंड का नॉइस ये काफी हद तक रिड्यूस नहीं कर पाता, लेकिन थोड़ा बहुत कर लेता है, तो कोई भी आपको दिक्कत नहीं होगी। कान के पास लगाओगे तो ही आपको सुनाई देगा, थोड़े बहुत डिस्टेंस पर आप रखोगे तो सुनाई नहीं देने वाला, मैं पहले ही बता दे रहा हूँ आपको। इसके अंदर कॉलिंग वॉच है तो दो ऑप्शन मिल जाएंगे, एक तो कॉल साइलेंट करने का या फिर कॉल डायरेक्ट डिसमिस करने का, यानी कि कट करने का। 45 mm का इसका जो थिकनेस है वो दिया गया है, और एमोलेड डिस्प्ले स्मार्ट वॉच है तो इसके अंदर आपको पिक्सल रेजोल्यूशन है जो कि है 368x448 पिक्सल रेजोल्यूशन डिस्प्ले आपको देखने के लिए मिल जाएगा। काफी देख सकते हो, आपकी आप स्क्रीन पे देख सकते हो, इसकी डिस्प्ले इतनी ज्यादा बड़ी, अच्छी खासी क्लियर एंड क्रिस्प है। 550 nits की पीक ब्राइटनेस है, जिससे आपको कोई भी शिकायत नहीं होने वाली। इससे ज्यादा ब्राइटनेस आपको आंख में भी चुभेगी। काफी अच्छी खासी लाउड डिस्प्ले है इसकी, यानी कि ब्राइटर डिस्प्ले। आपको कलर एक्यूरेसी इसके अंदर काफी अच्छी खासी देखने के लिए मिल जाएगी, वाइब्रेंट कलर्स देखने के लिए मिल जाएंगे आपको। इसके अंदर जो होता है स्पोर्ट्स मोड, इसके अंदर आपको 100+ डिफरेंट स्पोर्ट्स मोड देखने के लिए मिल जाएंगे, जैसे कि वॉलीबॉल हो गया, सॉफ्ट बॉल, क्या होता है ये मैंने पहली बार देखा है, तो कमेंट सेक्शन में आप बताना मुझे सॉफ्ट बॉल क्या होता है, हॉकी है। आपको ऐसे 100+ स्पोर्ट्स मोड मिल जाएंगे, और आपको अपना गेम कोई डालना है तो आप अपने नेम योर गेम भी कर सकते हो, इट कैन ट्रैक इट। और आपको बहुत ज्यादा अमेजिंग फीचर्स इसके अंदर देखने के लिए मिल जाएंगे। और अगर प्राइस की जाए इस वॉच की, तो इस वॉच की प्राइस रहने वाली 3499 रुपीज। यस गाइस, 3499 रुपीज में ये लॉन्च होगी, या फिर 2999 में भी ये लॉन्च हो सकती है। तो कल अगर आप देख रहे हो ये वीडियो आज ही, तो 2999 से लेके 3500 रुपीज तक आप रेडी रहो खर्च करने के लिए इतने प्रीमियम वॉच के लिए। नो वरीज अबाउट रनिंग आउट ऑफ बैटरी एनी मोर। इसके अंदर काफी लॉन्ग लास्टिंग बैटरी देखने के लिए मिलने वाली है, जो कि अप्रोक्सीमेटली 4 to 6 days की इन नॉर्मल मोड एंड स्टैंड बाय मोड जो होता है, तो इसके अंदर आपको 15 दिन की बैटरी बैकअप देखने के लिए जाएगा। स्टैंड बाय मोड में होता है कि आप ना वॉच का बिल्कुल भी यूज नहीं कर रहे हो, खाली पड़ी है एक जगह पे बहुत, इसमें आपकी वॉच 15 days तक सर्वाइव कर जाएगी, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली। फायरबोल्ट हल्क इज एक्सट्रीमली सुप्रीम, ये इसका बहुत ज्यादा सुप्रीम वॉच है ये। आपको सारे सुप्रीमेसी फीचर्स इसके अंदर देखने मिल जाएंगे। मल्टीपल वॉच फेसेस आपको देखने के लिए मिल जाएंगे इसमें अंदर। आपको जो आने वाले टाइम में ऐप के अंदर थोड़े बहुत नहीं तो भी बहुत ज्यादा वॉच फेसेस एड ऑन कर दिए जाएंगे, जिसके अंदर आपको 100+ वॉच फेसेस तो पहले ही दिखने के लिए मिलेंगे, और बाद में थोड़े थोड़े करके 150+ ये लोग ट्राई कर देंगे। और स्लीप स्टेप्स कैलोरीज आपको स्लीप मॉनिटरिंग हो जाएगा, स्टेप्स मॉनिटरिंग, कैलोरीज मॉनिटरिंग, ये सब आपको फायरबोल्ट के 360 डिग्री हेल्थ सूट पैक के अंदर आपको देखने के लिए मिल जाएगा। इसके अंदर आपको फर्टाइल विंडो एंड करके कुछ तो ऑप्शन मिल जाएगा, जो कि ऐप के ऑप्शन से ये आप गोल सेट कर सकते हो, ड्रिंक वाटर रिमाइंडर भी सेट कर सकते हो, वॉक अराउंड, ये सब आप ऐप के थ्रू कर सकते हो। पीरियड्स का जो होता है
गर्ल्स के लिए तो वो भी आप कर सकते हो, गर्ल्स के लिए काफी अच्छी वॉच हो सकती है, लेकिन काफी महंगी भी आप देख सकते हो। फॉलो योर ड्रीम्स एंड स्लीप वेल स्लीप मॉनिटरिंग, इसकी काफी ज्यादा एक्यूरेट है, कितने घंटे आप डीप स्लीप किए, लाइट स्लीप किए, सारे डेटा आपको दिखाएगी। ये ट्रैक्स एवरी बीट द ट्रू 24x7 डायनेमिक हार्ट रेट ट्रैकिंग हो जाएगी आपकी। लेकिन अगर आप हार्ट रेट और SpO2 मॉनिटरिंग ऑन रखते हो 24x7, तो इसका बैटरी बैकअप आपको 1 दिन से 2 दिन का देखने को मिल जाएगा, वरना उतना नहीं मिलेगा 4 to 6 days का, क्योंकि काफी ज्यादा बैटरी कंज्यूमिंग होता है, क्योंकि लाइट के सेंसर्स होते हैं, लाइट काफी बैटरी कंज्यूमिंग होती है, LED सेंसर्स होते हैं, उसकी वजह से SpO2 ब्लड ऑक्सीजन लेवल्स मॉनिटरिंग आपको देखने को मिल जाएगी। इसका वॉइस असिस्टेंट भी आपको देखने के लिए मिल जाएगा, जो कि आपके फोन के साथ कनेक्टेड रहेगा, तो वॉइस असिस्टेंट आप यूज कर सकते हो। इनबिल्ट माइक भी है और प्लस स्पीकर भी है, तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। सीरी का सपोर्ट इसके अंदर आपको देखने के लिए मिल जाएगा। कंट्रोल्स इन योर हैंड्स है, आपको रिमाइंडर्स फॉर हैशटैग यू टेक अ वेदर चेक आप कर सकते हो। मिस अ नेवर मिस अ थिंग फ्लैशलाइट भी आपको इसके अंदर देखने को मिल जाएगी। स्मार्ट नोटिफिकेशन एंड रिमाइंडर्स विद इन बिल्ट कैलकुलेटर भी आपको इसके अंदर देखने के लिए मिलने वाला है, तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि कैलकुलेटर मिल रहा है गाइस। आप थोड़े से वॉच में ट्राई कर सकते हो, एकदम छोटा बहुत कैलकुलेशन होता है वो आप वॉच से कर सकते हो। थोड़ा आप दुकान वुकान पे गए उस टाइम पे आपको काम आएगा ये कैलकुलेटर भी, काफी अच्छा फीचर है। IP67 वाटर रेजिस्टेंट वॉच है ये, तो थोड़ा बहुत आप 1 मीटर ऑफ डेप्थ अंडर वाटर जा सकते हो, उससे ज्यादा आप गए तो वॉच खराब हो जाएगी। वारंटी भी आपको मुश्किल से क्लेम करनी पड़ेगी, बहुत ज्यादा झंझट होगी, तो ये इतनी ज्यादा वाटर प्रूफ नहीं है, तो थोड़ा पानी से दूर ही रखना। विद IP रेटेड वाटर रेजिस्टेंट, IP67 है, 68 होता तो भी 3 मीटर आपको देखने के लिए मिल जाता, लेकिन कोई बात नहीं, इंडिया हैशटैग वेरेबल फर्स्ट वेरेबल ब्रांड बन चुकी है ये। APAC मेरे को पता नहीं क्या होता है, लेकिन इसमें आपकी फायरबोल्ट कंपनी जो 4th पे रैंक कर रही है, और ग्लोबली #10th वेरेबल वॉच ब्रांड बन चुकी है। 5 मिलियन यूनिट सोल्ड कर चुके हैं अब तक, एंड 10 मिलियन हैप्पी कस्टमर्स है, तो देख सकते हो आप इतने ज्यादा कस्टमर है। थोड़ा बहुत है, काफी अच्छी खासी 2500% यू ग्रोथ हो चुकी है कंपनी की। और ये कुछ है कंपनी के डिटेल्स वगैरह, आपको जानने हैं तो कब पढ़ लो, वरना आप जब परचेस करोगे तभी आपको ये नीचे भी देखने के लिए मिल जाएंगे। तो मेरे हिसाब से ये काफी परफेक्ट वॉच है अभी के टाइम पे, अगर आपको खरीदनी है तो मैं काफी ज्यादा सजेस्ट करूंगा ये वॉच को। 3500 रुपीज के अंदर आपको फुल फ्लेजेड वॉच मिलेगी, ऑलवेज ऑन डिस्प्ले इसके अंदर नहीं है, मैं अभी ये बता रहा हूँ, स्टार्टिंग में मैंने गलती से बता दिया था, लेकिन कोई बात नहीं। अगर आपने अब तक वीडियो देखा है तो थैंक यू फॉर सो मच सपोर्ट, वीडियो को लाइक कर दो यार, इतना देख ही लिया है, 8 मिनट का वीडियो बन चुका है, प्लीज लाइक करके सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करो, मेरा गला दुखने लग गया, लेकिन कोई बात नहीं। तो मिलते हैं अगले नए इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय गाइस, सी यू सून।